Hello friends and welcome to Urdu for 7. My name is Saurabh Day and you are watching English class for SBI PO and Clerk 2019. तो वैसे एल आई सी की हैबिट हो रखी थी इसलिए भी वही निकल भी रहा था तो गाइज एल का एग्जाम वैसे आप लोग काफी अच्छा गया होगा आई एम श्योर बस ये है कि इंग्लिश क्वालिफाइंग थी बट आई एम श्योर आप लोगों ने इंग्लिश में बढ़िया से जो है मार्क्स लेकर के आए होंगे मैं एल की बात इसलिए कर रहा हूँ बच्चों बिकॉज उसमें जो है एक न्यू पैटर्न देखने को हमको मिला था एक्सरसाइज वी सी ये न्यू पैटर्न एक्सरसाइज गाइज और जाहिर सी बात है जब तक कि आप न्यू पैटर्न एक्सरसाइज की आप तैयारी नहीं करते हो प्रिपरेशन नहीं करते हो प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप पूरी तरीके से रेडी भी नहीं होते हो राइट माई डियर फ्रेंड्स और इसीलिए देखा जाए तो हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू पैटर्न एक्सरसाइज स्पेशली स्पॉटिंग एयर्ट्स के लिए और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको मिल करके सॉल्व करिएगा और बहुत सारा आपको जो है गेन भी होगा तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर एक जो हमारे पास सबसे पहले आ चुका है इट्स राइट हेफ फॉर यू एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन ह्यूमन लाइफ इज अनोन बट कैजुअलिटीज में हैव टोटल ओवर सिक्सटी मिलियन सर्विस पर्सनल एंड सिविलियन स्केल तो बताइए बच्चो ये जो पार्ट बोल्ड में है इसमें जो गलती है वो क्या है ग्रामेटिकल एरर हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बताइए बच्चों क्या गलती है वर्ड विच एव बीन इन बोल्ड सो दे माइट बी ग्रामेटिकल एर और वॉट इज नाउ सो अप एंड आंसर गाइज left now. Hurry up. लास्ट एन सेकंड पीपल कम ऑन वेल द टाइम इज अप और मैं देख भी रहा हूं कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग अलग अलग, अलग तरह के आंसर भी दे रहे हैं बट जो सबसे ज्यादा आंसर है वो ऑप्शन ए के रिगार्डिंग है ओके वेल गाइस देखा जाए जो पर्सनल है उसमें देखो लास्ट में क्या हो जाएगा ए एल या ई एल यस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ई एल एंड नॉट ए एल तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों द एरर लाइज इन पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर वन जो सवाल नंबर एक का पार्ट ए है बच्चों इसी में गलती है एंड आई होप आप सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर टू लेट सी दैट डन यस yes, बिल्कुल चलिए नेक्स्ट बनाते हैं विद द जापानीज एडवांट टूवर्ड्स इंडिया द प्रेशर वाज माउंटिंग ऑन ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम चाइना द यूएस एंड द यूके टू सॉल्व द इशू ऑफ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ इंडिया बिफोर द एंड ऑफ द वॉर तो बताइए बच्चों यहाँ पर आपके हिसाब से जो गलती है वो क्या है योर ऑप्शंस आर फ्यूचर माउंटिंग प्रेशर एंड एडवांस्ड टाइम स्टार्टस नाउ सो अपन फाइंड द एरर 20 seconds left to answer, guys. Hurry up. Just 10 seconds left now, people. Come on. Okay, the time is up. So, with the Japanese advance towards India. The pressure was mounting on Great Britain from China, the US, and the UK to uh, solve the issue of the future status of India before the end of the war. So, my dear friends, now what do you think? You Part the advantage the answer? Let's <laughs> have the answer then.

Twenty seconds left to answer, guys. Hurry up. Last ten seconds, people. Hurry up. Okay, time is up, guys. All right. So.

जरा आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वन यस अब देखो भाई देखो भाजपा सी बात है प्लीडिंग में कुछ भी गलत नहीं है प्लीडिंग का मतलब क्या होता है रिक्वेस्टिंग और प्रेइंग राइट तो उसमें तो कोई गलती नहीं है अच्छा अब अगर आप वायलेशन की बात करो तो देखिए जरा यहां पर अंडर आर्टिकल थर्टी टू फॉर वायलेशन की जो स्पेलिंग है क्या ये सही है ज द स्पेलिंग ऑफ वायोलेशन करेक्ट नो ऐसा तो नहीं है राइट राइट दैट इज वाई जो गलती है वो थर्ड के पार्ट बी में है वैसे मैं उम्मीद करता हूं बच्चों जैसे कि आप सॉल्व कर रहे होंगे वैसे ही आप चाह रहे होंगे दूसरे लोग भी सोल्व कर रहे हैं ना तो इसीलिए सभी लोगों से वैसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ठीक है ऑन योर फेसबुक ऑन योर टेलीग्राम ठीक है व्हाट्सएप जहां जहां पर भी आप लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में शेयर सर ओके गाइज सो एवरीबडी शेयर द वीडियो एंड राइट डाउन शेयर सर सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और फिर लिख दो कॉमेंट सेक्शन में शेयर सर ओके गाइस अच्छा चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर फोर क्या है So global growth has plateaued at 3.7 percent, and there are clouds on the horizon as the growth has uh, proved to be less balanced than hoped. So, tell me, the mistake? And what is it? Time starts now. Hurry up and answer, guys. Come on. So, many seconds left, people. Hurry up. टेन सेकेंड लेफ्ट नाउ वेल द टाइम इज आप अब देखिए बच्चो जब आपका पार्ट सी है उसमें दिया हुआ है हो रि जोन सी हो रि जोन कुछ नहीं होता होराइजन के लिए अब देखा जाए तो लास्ट में ई नहीं आएगा दैट्स फॉर श्योर राइट चलो जरा देख भी लेते हैं आंसर क्या है कैन वी हैव दंसर प्लीज

काफ़ फ्रॉम अ फिशिंग नेट तो बताइए बच्चों यहां पर जो गलती है एक्सपर्ट फिशरीज ट्यूजडे एंड टैंगलिंग इसमें से किसमें है टाइम दट नाउ सो हरियापन आंसर गाइस ट्वेंटी सेकेंड स्पीपल हरियाप जस्ट टेन सेकेंड्स ओके नाइम एज सो अब देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादातर लोग वैसे ऑप्शन ई ऑल करेक्ट ही आ रहा है वेल well, बच्चों गलती देखो ग्रामर की भी हो सकती है अगर स्पेलिंग की ना हो तो बट देख लेते हैं गलती कहाँ पर है कैन वी हैव दंसर प्लीज आंसर ओवर हियर अब देखो यहां बोला है बोला जा रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग में एरर है 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 भाई जाहिर सी बात ऐसा क्यों ट्यूसडे में टी यू ई होगा ना टस तो होगा नहीं राइट तो ये क्या है ये तो मतलब ट्यूसडे का अलग ही सेंस हो गया है ना यस yes, कुछ लोग वैसे ऑप्शन सी भी कह रहे थे तो बच्चों यहां पर जो गलती है वो ऑप्शन सी में ट्यूसडे में है जाहिर सी बात है टी यू ई एस दैट इज दैट शुड बी देयर ना कि टी यू एस ई ओके सो फिफ्थ का सी इज द आंसर आई होप सबने ये मार्क कर लिया होगा तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर छ क्या है उसकी बात करते हैं सम वन वॉकिंग ऑन द बीच हैड स्पॉटेड द वेल अर्ली मंडे एंड अलर्टेड अथॉरिटी सो गाइज अलर्टेड स्पॉटेड बीच वॉकिंग इनमें से किसमें गलती है टाइम्स ना अप एंड आंसर गाइस कम ऑन फिफ्टीन सेकेंड्स गाइज लास्ट फाइव सेकेंड्स टू आंसर वेलम सब अच्छा मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर पार्ट बी में देखा जाए तो एरर है स्पॉटेड में ज्यादातर तो लोगों एरर देख रही है देखते हैं जरा हम लोग सही जवाब क्या है कैन वी हैव दी आंसर प्लीज वेल गाइस ऑप्शन बी स्पॉटेड में जाहिर सी बात है एरर है यहां पर डबल टी होना चाहिए था जो कि नहीं है एंड दैट इज वाई सिक्स के पार्ट बी में एरर है तो बच्चों देखो जैसे कि ये किस निक, पैटर्न न्यू पैटर्न को हम लोग कर कर रहे हैं एक्सरसाइज रहे हैं ऐसे ही आपको बहुत सारे पैटर्न एक्सरसाइज हर सब्जेक्ट में करवाया जाता है हमारे चैनल पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का राइट तो सभी लोग जितने भी लोग हैं यहां पर जो भी लोग शो को, को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और लिख दे कॉमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब सर ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब टू टूबन एंड टैप द बेल बटन सभी लोग सब्सक्राइब कर लो डो बेल बटन को ओके okay, गाइस so, सब्सक्राइब टू एंड टैप द बेल बटन गाइस और लिख दो यहां पर सब्सक्राइब सर चलिए

फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट पीपल हर आप ओनली फाइव सेकेंड लेफ्ट ना ओके वैसे मैक्सिमम लोगों को ऑप्शन ए में गलती नजर आ रही है कि सर वेल्दियस्ट में मामला गड़बड़ है तो जरा देखते हैं एक्चुअली मामला गड़बड़ है कि नहीं है कैन वी हैव द्लीज वेल गाइस डेफिनेटली देखा जाए तो वेल्दीएस्ट में टी एच में ई आई नहीं होना चाहिए दैट इज रॉन्ग राइट सेवेंथ के ए में एरर है गुड जॉब ऑल द पीपल हु एबल टू स्पॉट इट नाउ नेक्स्ट वन चलते हैं अगला सवाल नंबर एट क्या है उसकी बात करते हैं

फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट गाइज आंसर पीपल आंसर फाइव सेकेंड लेफ्ट नाउ राइट तो क्या अराउंड में ए डबल आर होना चाहिए कि बस एक सिंगल आर होगा ये देखते हैं आंसर में कैन वी हैव द आंसर प्लीज The answer is around. Definitely, इसी में गलती है देखो सी बात है आप सभी लोग को पता होगा बचपन से अराउंड में डबल आर नहीं आता है और यह अराउंड नहीं है यह अराउंड होता है राइट तो क्या हो जाएगा सिंगल आर ओनली ए आर ओ यू एन डी एथ के डी मेंव मार्क द सेम चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर नाइन

लास्ट फाइव सेकेंड्स गाय जा रही है आप ओके द टाइम इज अप्रूविंग की स्पेलिंग सही है क्या ब्रूविंग में आई लगाना जरूरी है यहां पर वेल लेट एस सी दंसर कैन वी हैव दंसर प्लीज वेल डेफिनेटली इट टर्नस आउट

So, the European Union is all set to ban single use plastics as the world is looking for sustainable alternatives to look to our plastic obsessed packaging industry. So, guys, your time starts now. Hurry up and answer, please. Come on. 20 seconds left, people. Hurry up. 10 सेकेंड्स ओके गलती ग्रामर की भी हो सकती है अगर आपको स्पेलिंग सही लगे तो ओके okay, ये ध्यान रखना वेल well, तो यहाँ पर देखा जाता है लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर पार्ट बी में एरर है क्या पार्ट बी में एरर है नंबर टेन के जरा देखते हैं हम लोग जवाब क्या है कैन वी है आंसर प्लीज स्पेलिंग yes, spelling, spelling जो है ओ बी डबल एस ई डबल एस ई डी नहीं होती है तो टेंथ का बी गाइज इज दंसर वेरी वेल डन और बहुत सारे लोगों ने लिखा था यस सर आई वॉन्ट द पी डी एफ जिनको भी पी डी एफ चाहिए मैं चाहूंगा वो सभी लोग जो है फटाफट से लाइक कर वीडियो को और एलिजिबल हो जाए पीडीएफ को पाने के लिए ओके सो ऑल ऑफ पुलिस मैन टू बॉय कॉट ड्यूटी ऑन अटेंड इन सपोर्ट ऑफ नेक्स्ट वन यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा टाइम्स नाव हरियापन आंसर गाइज कमॉन Last ten seconds, guys, hurry up. Three seconds, guys, come on. All right, so. Well, messages have been circulating on social media and WhatsApp urging policemen to boycott duty on October 10 in support of the arrested constable. अब देखो भाई जाहिर सी बात है जो circulating होता है क्या उसमें double L आता है बताइए बच्चों because ज़्यादा answers देखकर लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता so can we have the answer please जरा देखते हैं answer क्या हो जाएगा well guys it's going to be definitely not double L एक e L काफी होता है इस काम के लिए ठीक है

ट्वेंटी सेकेंड्स गाए जा रही है आप लास्ट पीपल सेकेंड पीपुल टाइम इज अब अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन सी में अर है अच्छा जी ऐसा कुछ है चलो जरा देखते हैं सही आंसर क्या है कैन वी हैव आंसर गाइस वेल अब देखिए जब हम बात करते हैं सीवियरली की ओके okay, सीवियरली क्या सीवियरली की स्पेलिंग जो है एस ई वी ई आर के बाद ई e नहीं लगा कर एल वाई होती है टेल मी गाइस क्या ऐसा होता है क्या नहीं ऐसा नहीं होता राइट right? तो मतलब जो एरर है वो ट्वेल्व के पार्ट डी में है दी एरर इज इन पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व राइट गाइज चलिए इतनी जल्दी बारह सवाल निकल गए पता ही नहीं चला चलिए आते नेक्स्ट सवाल नंबर थर्टीन पे

Ten seconds to answer, guys. Hurry up. Time is up. All right.

क्या में डबल आना चाहिए वेल well, देखते हैं आंसर क्या है कैन वी हैव द आंसर प्लीज एंड नो ऐसा नहीं होता सिंगल एल इज एनफ गाइज डबल एल नहीं लगाता है कोई भी बैटल्ड में सो so, थर्टीन का ए इज द आंसर सो वेल डन ऑल द पीपल हु सेट थर्टीन के ए में एरर है बहुत ही बढ़िया बच्चों चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं नंबर फोर्टीन लेट्स सी दैट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई डिसजेशन बाई द अपाक्स बॉर्ड बॉडी टू लिफ्ट अन ईयर ओल्ड बैन ऑन स्ट्राइक्स बाय लॉयर्स बताइए बच्चों यहां पर जो गलती है वो कहां है और क्या है टाइम्स नाउ हरियप एंड आंसर इसके बाद 10 ओके okay. तो देखो बच्चों यहां पर जो है अपाक्स बार बॉडी दिया हुआ है सी व्हाट वी वांट टू शो इज समथिंग राइट एट द टॉप सबसे ऊपर है ना और जब हम सबसे ऊपर की बात करते हैं तो वहां क्या लगाते हैं वहां हम लगाते हैं एपेक्स बार बॉडी ओके क्या हो जाएगा ए पिक्स बार बॉडी ओके तो यहां पर अपॉक्स ना करॉडी राइट चलिए नेक्स्टीन क्या है ये अगला सवाल नंबर आफ्टर अज ब्रेक फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट ड्यूइंग कॉमेंट्री इन बिटवीन इरफान पठान इज बैक एज में कम प्लेयर फॉर जम्मू एंड कश्मीर तो भैया बताइए बच्चों यहां पर जो एयर वो क्या हो जाएगा ब्रेक प्लेइंग कॉमेंट्री मिनट में से गलती किस में है Time starts now. Hurry up. <clears throat> Last ten seconds, guys. Come on.

बेटर रहता फिलहाल तो यहाँ पर है कि नहीं सो so anyway के ए में है गुड टू सी बाकी लोगों ने लिखा था यही चीज चलिए लेट्स रिमूव द स्लाइड नाउ तो बच्चों जिनको भी पीडीएफ चाहिए आज के सेशन की मैं चाहूंगा वो सभी लोग जो है फटाक से टेलीग्राम ग्रुप है मेरा इंग्लिश बाय सौरभ सर उसको ज्वाइन कर ले और उनके जो एकदम देखना पिंट कमेंट जो होगा उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे आज के सेशन का आप चाहे तो मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसका नाम है सौरभ सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन और उसमें भी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा पिंट पे ठीक है गाइस सो दैट वाज ऑल इन सेशन आई एम गोना मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम एट 1 पीएम टिल देन पीस आउट